हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड की KPIL की। दोस्तों यहां पे KPIL का पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस रिलीज किया हूं ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो एक साल पहले मैंने वीडियोस बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसकी शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पे बेसिकली शेयर प्राइस आज की डेट में उससे यहाँ पे कह सकते हैं कि 1.5x अपसाइड देखने को मिला है। मतलब कि 150% करीब करीब यहाँ पे रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक। अगर अभी के टाइम पे कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल की अगर आप देखोगे तो 1366 रुपया पे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो बताया था बेसिकली स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 531 रुपया कल्पतरु प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन का यहाँ पे आपको देखने को मिला था। यहाँ पे सॉरी कल्पतरु प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कल्पतरु यहाँ पे दूसरा निकल गया, मैं यहाँ पे कल्पतरु प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ और इसकी ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली जो अपडेट है इसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले भी बताया था, और यहाँ पे एक तरह से बढ़िया उस टाइम से अभी तक गेन देखने को मिल चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे अभी के टाइम पे स्टॉक है जो 6 महीने के अंदर अंदर 80% का रिटर्न दे दिया है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेंगे। इन एक साल में स्टॉक है जो यहाँ पे 119% का रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के 5 ईयर्स की तो 5 ईयर्स में 155% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ पे इस लेवल से मैं इसका 2023 अगर हम बात करें दिसंबर में या एक साल से हम इस स्टॉक को ऑलरेडी एक तरह से रडार पर रखे हुए हैं, और उसके बाद इस स्टॉक में उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कंटिन्यू जरूर कर दिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी किया होगा एक तरह से बढ़िया रिटर्न तो उनको मिला ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 8441 एम्प्लॉय 2024 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। जीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड करके इनका एक तरह से सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कल्पतरु की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों अभी यहाँ पे Q1 क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश करने वाली है कंपनी, तो Q1 क्वार्टर के रिजल्ट्स में कंपनी का प्रॉफिट किस तरह से हो सकता है सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के अबाउट। यहाँ पे इनका जो बिजनेस देखने को मिलता है EPC प्लेयर है बेसिकली ये कंपनी ग्लोबल, और यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी का जो बेसिकली इंटरेस्ट पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की अगर हम बात कर लें, रेलवे से बायोमास वेस्ट पेपर जनरेशन की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की पूरी डिटेल्स तो EPC से 98% की रेवेन्यू जनरेट करती है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट से 2% की, ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो इनके पास काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर बुक 47,300 करोड़ का यहाँ पे इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है 47,300 करोड़ है। और इनका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं मार्केट कैप से डबल इनके पास है जो ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे 22,111 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और इनसे यहाँ पे डबल प्राइस पे आपको इनके ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। तो यानी इनके पास जो ऑर्डर बुक है आने वाले समय में एग्जीक्यूट हो गए तो शेयर प्राइस तो अपसाइड जाएगा ही जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली फंड रेजिंग से रिलेटेड 2023 में काम की, एक्विजिशन भी यहाँ पे 2023 से रिलेटेड में काम करती हुई नजर आई थी, जो कल्पतरु पावर से रिलेटेड यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कंपनी के अंदर अभी के टाइम पे लगता है वो यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज है, जो 33.6% की होल्डिंग है जो प्लेज्ड रखा हुआ है प्रमोटर का, 35.2% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, उनमें से इतना परसेंट है जो प्लेजिंग आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे 5,106 करोड़ इनके पास रिजर्व्स है जिसमें 4,008 करोड़ इनके पास कर्ज देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी अगर हम बात करें तो 0.78 का है, 31.40 रुपया का EPS जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक पे फोकस शॉर्ट टर्म के लिए जरूर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बनाने का अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक साल से ज़्यादा इस स्टॉक में रहना अभी के लिए सही नहीं होगा। मुझे लगता है एक साल में स्टॉक अभी 2000 के करीब करीब स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इनके पास ऑर्डर बुक अगर एक खत्म होता है, कंटिन्यू ऑर्डर नहीं मिलता है, तो स्टॉक प्राइस वापस से डाउन साइड की ओर जाना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 8 की रेटिंग और ग्राहम नंबर प्राइस 472 रुपया देखने को मिल रहा है। DIS के पास
45.6% की होल्डिंग और FIS के पास 10.1% की होल्डिंग देखने को मिलता है। तो इन दोनों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। और बड़े इन्वेस्टर की अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी जून क्वार्टर में सेल करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंटिन्यू प्रमोटर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं अपने होल्डिंग, जो यहाँ पे मुझे एक बड़ा कंसर्न पॉइंट लगता है। और प्रमोटर यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे कल्पतरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है जो यहाँ पे प्रमोटर है, केसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड अगर हम देखें, यहाँ पे मोफतराज अगर हम देखें तो प्राग मोफतराज देखें तो ये सब सारे प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के अंदर। सुनीता विजय कल्पतरु अगर आप देखें तो अलग अलग मतलब कि मायने मायने अमाउंट में भी यहाँ पे होल्डिंग रखे हुए हैं प्रमोटर ऑलरेडी। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो FIS की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और DIS की भी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों लोग अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, साथ में यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों कल्पतरु प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने वाली है। और Q1 क्वार्टर के रिजल्ट किस तरह से हो सकते हैं उस पर हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। मार्च 2023 का डेटा अगर आप देखें तो 140 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ा के यहाँ पे कंपनी 169 करोड़ की है। 4,882 करोड़ से सेल्स बढ़ा के 5,971 करोड़ का सेल्स किया है। तो कंपनी का सेल्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। 7% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 8% होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे मार्जिन में उछाल देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है कंपनी के अंदर। और यहाँ पे इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जून 2023 में अगर आप देखें तो जून 2023 में जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 113 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। तो होपफुली कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। करीब करीब 130 करोड़ से ऊपर ही यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, प्लस 8% से 9% मार्जिन देखने को मिल सकता है। और इनके जो एक तरह से सेल्स है 4241 करोड़ का, वो यहाँ पे इंक्रीज होके 5000 करोड़ को टच करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि कल्पतरु प्रोजेक्ट्स का जो Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स रह सकता है वो ठीक ठाक रह सकता है, अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे इस कंपनी के बैलेंस शीट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका जो एक तरह से फंडामेंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि रिजर्व्स ज़्यादा है और इनके पास डेप्ट कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ CWIP में कंटिन्यू वर्क कर रही है कंपनी, टोटल एसेट्स बढ़ा रही है अपनी और टोटल लाइबिलिटीज बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें कंपनी अपना इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है दोस्तों टाइम टू टाइम। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें, जिससे कि आने वाला जो अपडेट है वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर किसी भी प्रकार का एडवाइजर नहीं हूं, तो यहां पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दूंगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक का बस इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।